मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं तो आंखों में स्वप्न भरे होते हैं, जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता रहता है, निर्भय होकर आगे बढ़ता है, संकटों का चुनौतियों का सामना करता है, किंतु जब हाथ भर जाते तो स्वप्न देखना ही बंद कर देता है। जो पा लिया उसे खो ना दे, इस भय से संकटों का चुनौतियों का सामना करना बंद कर देता है, उस राह को ही छोड़ देता है जिस पर चलकर उसने सफलता पाई थी। ये अनुचित है। जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी अवस्था, चुनौतियों को स्वीकार कीजिए, क्योंकि यदि आप चुनौतियां स्वीकार करोगे तभी आप इस संसार को कुछ देने योग्य बनोगे। यदि सफल रहे तो इस संसार को एक सक्षम नेतृत्व देंगे, यदि असफल रहे तो एक सीख कि क्या नहीं करना चाहिए। तो जीवन में चुनौतियों को चुने, चिंताओं को नहीं। राधे राधे। आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते, किंतु जैसे ही उनके आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते। बड़ा क्रोध आता है ना, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न करें, किंतु आप ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित हो। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आए, कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण ना बदले, बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले राधे राधे। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य अक्सर एक बात भूल जाता है, झुकना। सोचता है कि मैं किसी के समक्ष क्यों झुकूं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य एक महत्वपूर्ण बात भूल जाता है कि संसार में, इस जीवन में उसने जो भी प्राप्त किया है झुक कर प्राप्त किया। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुक कर गिर कर, बड़ों का आशीष लिया तो झुक कर, किसान को फसल काटने के लिए झुकना पड़ता, कुएं से पानी निकालने के लिए पात्र को झुकना पड़ता, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष झुकना पड़ता। आंधियों में वृक्ष सुरक्षित कैसे रहते, झुक कर। सम्मान कैसे पाया जाता, झुक कर। किसी के समक्ष झुकने का अर्थ स्वयं का आत्मसम्मान खो देना नहीं, उसका अर्थ होता है विनम्र। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी की भांति पंखों की आवश्यकता नहीं, बस जितना झुकेंगे उतना ही ऊपर उठेंगे। राधे राधे।
परीक्षा, एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे, आपको, सबको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है। स्मरण कीजिए अपना बालपन। आप परीक्षा देने बैठे हैं। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है ये सोचकर कि कोई बिना किसी परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। किंतु स्मरण रखिएगा, जो नकल करते हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, सफल नहीं, क्योंकि वो नकल करते हैं बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाले। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में दूसरों को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी भांति बनने का प्रयास करते हैं, किंतु ना हमारे जीवन में सफलता आती है, ना आनंद आता है। क्यों? क्योंकि हम एक विशेष बात भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु यदि अपने जीवन में सफलता लानी, यदि अपने जीवन में आनंद लाना है, तो स्मरण रखिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर जीवन में स्वयं को ही खोजना होगा। राधे। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए? पादुका पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते, किंतु इन पादुकाओं द्वारा उड़ने वाली कीचड़ की बूंदे आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती। किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे, इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। इसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं पादुका की भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यक है ये सोचना कि आपको आपके पाव कीचड़ से बचाने या आपके वस्त्र। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक ये जीवन है, संतोष और आनंद से जी, स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान ना दे, बस आनंद बांटते रहे। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। जीवन क्या है? ये जीवन, हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता, फिर हम बड़े होते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, हमारी संतानें होती, हम उनको पालते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन आता होगा ये प्रश्न मन में कई बार, है ना? अब तनिक जल की यात्रा देखिए। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है, फिर नदी बनकर पुनः सागर में समावेश करता, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हर भाव जीता है और दूसरों के लिए जितना बन सके देता जाता। जब सागर में होता है तो असंख्य जल जीवों को जीवन देता है, जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है
तो किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी प्यासी धरा को सींचता है, और जब नदी में होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जन्म देता है। तो सोचिए, क्या जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, वो बस अपना धर्म करता जाता और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता। इसलिए जीवन में कभी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है? बस इस जीवन को जिए और जितना हो सके उतना सबको आनंद दे। मन प्रसन्न होकर बोलेगा राधे राधे। ये ताला देख रहे हैं आप, ये ताला प्रहार से भी खोला जा सकता है, प्यार से भी खोला जा सकता है, अर्थात इस ताले को आप इस चाबी से भी खोल सकते हैं, इस हथौड़े से भी खोला जा सकता है, किंतु खुलने में अंतर होगा। यदि आप इस ताले को प्रहार से खोलोगे तो ये पुनः काम नहीं आएगा, किंतु यदि आप इसे चाबी से खोलोगे तो ये सदा काम आएगा। हमारे जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार होते हैं, हमारे जीवन की आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि क्रोध से किया जाए तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते, इसलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिएगा, क्योंकि हर बार नया ताला ला सकते हैं आप, नए संबंध नहीं ला पाए। राधे राधे।